जा रहे हैं जहाज की तरफ, और उसके बाद हमारा सफ़र शुरू हो जाएगा। और ये सफ़र अब इस वजह से भी थोड़ा खुशगवार होगा कि पहले मैं अकेला था, कम से कम जहाज़ के अंदर अकेला था, बाकी तो कोई ना कोई दोस्त मिल जाता था। अब क्योंकि सजाद भाई भी आ चुके हैं तो ये ट्रैवल अब हम लोगों का साथ में ही रहेगा अगले कुछ 5 दिन तक। तो इंशाल्लाह आपको जो ना बोरियत, ना आप बोर होंगे ना मैं बोर होऊंगा, तो देखते हैं दोस्तों। फिर इस मुल्क में भी ये देखें कि मेट्रो सर्विस और ट्रेन सर्विस और ट्रैम सर्विस अवेलेबल है। मतलब ऐसी जगहों पे आते हैं ना तो दिल दुखता है कि यार हम लोग कहाँ खड़े हुए, वो जो हमारे ठेकेदार हैं उन्होंने हमें कहाँ ला के खड़ा कर दिया है, तो बड़ा दुख होता है। आप देखें कि ये मतलब किसी गिनती में ना आने वाले ममालिक थे ये। कल जो है ये वो रियाज थी जो कल अभी जो है ना रशिया से आज़ाद हुए हैं, और आज ये लोग कहाँ हैं और हम लोग कहाँ हैं। देखिए ये छोटी सी गली है, उसके अंदर भी ट्रैम चल रही है। तो देखिए जो लोग जिन्होंने तरक्की करनी होती है उनका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। तो ये हम सोफिया में इनकी सिटी में हैं बल्गारिया के। तो जो चीज़ यहाँ सबसे ज़्यादा जो मुझे दिलचस्पी की लगी है वो ये है कि मतलब कोई गली ऐसी नहीं जहाँ मतलब इसकी ट्रैम की लाइन ना जा रही हो। तो आप ये देखें कि इन्होंने इस तरह की ट्रांसपोर्ट जैसी सहूलत लोगों को घरों के गेट तक दी हुई है। दोस्तों जैसे जैसे शाम होना शुरू हो रही है लोग बाहर निकलना शुरू हो रहे हैं, और जैसे जैसे लोग बाहर निकल रहे हैं बाहर हर तरह का जो ना व्यू भी चेंज हो रहा है। आप ये देखें कि एक तो रोड बहुत अच्छे हैं, दूसरा आप ये देखें कि हर 2 मिनट बाद रोड के ऊपर आपको ट्रैम चलती हुई नज़र आएगी, और इसका मतलब है कि लोग इसको ट्रैम पे सफ़र करना पसंद करते हैं। और क्योंकि ये किसी भी मुल्क में किसी भी शहर में ये जो है ट्रांसपोर्ट का सस्ता तरीन जरिया होता है, और हम इससे ज़्यादा बार बार अपने मुल्क की बुराई क्या करूं। बहरहाल यही कहूंगा कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हुक्मरानों को और साहिब इक्तदार लोगों को सबको हिदायत दे, और बदकरदार लोगों को भी अल्लाह ताला अकल दे कि मुल्क हमारा है और हमारे बाद हमारे बच्चों का और आपके भी बच्चों का है जो इसको नहीं सोचते। जी ये वॉकिंग स्ट्रीट है, वॉकिंग स्ट्रीट कह लें या फूड स्ट्रीट कह लें, बल्गारिया सिटी में ना जो इनका कैपिटल है उसके अंदर है। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये एक तरह से मुझे कॉपी लगती है जिस तरह के थाईलैंड की स्ट्रीट्स हैं, लेकिन ये उस तरह की नहीं है। मतलब यहाँ फैमिलीज आती हैं, लोग आते हैं, लोग इंजॉय करते हैं, उससे थोड़ा यहाँ का कल्चर मुख्तलिफ है। लेकिन आलमोस्ट लोग सेकेंड टाइम में यही मसरूफियात है, होटलिंग, आउटसाइड पे खाना और इस तरह की चीज़ें। और इसके अंदर एक मखसूस जो है ना वो है कल्चर है, एक रिच कल्चर है। तो इसका ये मंजर है जो आप लोग अभी देख रहे हैं, आप लोगों की नज़रों के सामने है। तो इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह की चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते रहें। मैं और सजाद भाई साथ साथ ही जा रहे हैं, मतलब सारी चीज़ें जो है ना इसको जो है ना डिस्कवर कर रहे हैं। बल्गारिया में मेरा ख्याल है कि खासकर मस्कत से अभी तक कोई यूट्यूबर या इस तरह का बंदा नहीं आया जो इन चीज़ों को डिस्कवर करें, लेकिन ये कि अब दो लोग आ चुके हैं। अब ये वीडियो कैसी बनती है ये तो आप लोग ही फैसला करेंगे, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि अच्छी से अच्छी बने। तो दोस्तों ये हम फूड स्ट्रीट है इसके दूसरे कोने तक जा पहुंचे हैं। इससे मतलब ये कुछ 2-3 किलोमीटर पे मुहित है ये जो रोड है, और लोगों का रश, खाने पीने की चीज़ें, मार्केट, सारी चीज़ें यहाँ हैं। और आप लोग देखें कि लोगों के चेहरे पे रौनक है, और ये लोग ये अच्छा करते हैं कि ये लोग जब कहीं काम ख़त्म करते हैं तो सारी चीज़ों को ना वहीं छोड़ के आते हैं, साथ ले कर नहीं चलते। और एक तंदुरुस्त माशरे का यही पहलू होता है कि वहाँ लोग जो है ना चीज़ों को नॉर्मल लेते हैं, मतलब काम को काम की हद तक लेते हैं, कभी पर्सनल नहीं लेके आते, और पर्सनल चीज़ों को कभी काम की जगह पे नहीं लेके जाते।
और उसका रिजल्ट ये आप लोगों के सामने है। वो लोग जो है ना हर चीज को वो मतलब स्ट्रेस का माहौल नहीं है। ये देखें, ये भी जिंदगी का एक नमूना है जो आप लोगों के सामने है। ये देखें जनाब, यहाँ का कल्चर देखें और वीकेंड को मनाया कैसे जाता है। बाकी छोड़िए, जिंदगी कैसे रवां दवां है, जिंदगी कितनी मुतमिन है। तो हमें भी इस हब्स के माहौल से निकलना चाहिए। जिंदगी का जो चीज़ें हमने पाकिस्तानियों ने जिंदगी के बारे में सोची हुई है ना, वो टोटली अजीब तरह की हैं। अजीब तो नहीं कह सकते, लेकिन 80% लोग जहाँ उन्हें मोहब्बत का इजहार करना होता है वहाँ वो गाली दे के बात करते हैं, नफरत का इजहार करते हैं, और जहाँ नफरत का इजहार करना होता है वहाँ भी वही गाली का इस्तेमाल करते हैं। अजीब लोग हैं हम लोग। हम मोहब्बत को भी शक्ति में सोचते हैं कि यार शक्ति होनी चाहिए, कोई रिश्ते ऐसे नहीं निभाए जाते। ये देखें लोग कैसे जिंदा हो जा रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा लें, आपके सामने चीजें, ये भी एक जिंदगी है, ये भी जीने का एक तरीका है। एक जीने का तरीका वो है जो सिर्फ हम लोगों के पास है।